कंपनी मीटिंग्स चैप्टर नंबर 7th 11th एसपी का ऑब्जेक्टिव्स फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम लोग देख रहे हैं। द इंटीमेशन टू मेंबर्स स्टेटिंग द डे डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग इज नोन एज कोरम एजेंडा नोटिस। नाउ कोरम तो मीटिंग के टाइम में मिनिमम नंबर ऑफ लोग जो प्रेजेंट चाहिए फॉर द मीटिंग टू बी लीगली वैलिड है। एजेंडा नोटिस के बाद आता है थिंग्स टू बी डन इन द मीटिंग करेक्ट। द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग मस्ट बी सेंट टू ऑल मेंबर्स डैश क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग 24 21 14। सो कायदा क्या है 21 क्लियर डेज। क्लियर डेज मतलब भेजने का दिन छोड़ दो रिसीव करने का दिन छोड़ दो इसको हम क्या बोलते हैं क्लियर डेज। द पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग इज नोन एज सेक्रेटरी चेयरमैन डायरेक्टर। चेयरमैन कौन है मीटिंग का हेड। कितने मीटिंग के टाइम के अंदर आना चाहिए 15 मिनट। नहीं आया तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आपस में एक को चेयरमैन के तौर पर इलेक्ट या चुन लेंगे। अ प्रॉक्सी कैन वोट ओनली इन केस ऑफ वोटिंग बाय डिविजन शो ऑफ हैंड और पोल। नाउ डिविजन मेथड में शेयर होल्डर्स को बोला जाता है दोज इन फेवर इस रूम में रहो दोज इन फेवर अलग रूम में जाओ। शो ऑफ हैंड्स में हाथ ऊपर दोज इन फेवर से यस पहले काउंट किया जाता है दोज नॉट इन फेवर से यस वापिस से काउंट किया जाता है। लेकिन प्रॉक्सी इन शो ऑफ हैंड्स या डिविजन या वॉइस एक्लेमेशन में वोट नहीं कर सकता सिर्फ पोल में कर सकता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर रिक्वायर्स रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डर क्या लगता है बाकी लोग को। सर तीनों आंसर नजदीक लग रहे हैं। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस ऑडिटर को समय से पहले निकालना हो या रिजाइन के बाद कोई दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट करना हो तो होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी का नाम बदलना हो या आर्टिकल्स बदलना हो या रजिस्टर्ड प्लेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लाना हो तो किया जाता है। नॉर्मली जो ऑडिटर है या डायरेक्टर है उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से अपॉइंट किया जाता है। व्हाट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 100 वोट रहे तो 51 वोट रहे तो भी काफी माना जाता है 100 में से 51 लोग। आया समझ में मेजोरिटी। अ डैश इज द प्रपोजल पुट बिफोर द मीटिंग फॉर डिस्कशन एंड डिसीजन मोशन रेजोल्यूशन मिनट्स। मोशन जो प्रपोजल है वो मोशन है लिखित फॉर्म में होता है दूसरा मेंबर सपोर्ट देगा उसको बोलते हैं सेकेंडेड और इस मोशन का नतीजा डिसीजन बोलते हैं जिसको मीटिंग की भाषा में रेजोल्यूशन बोलते हैं। मीटिंग के बाद कितने आंसर दिया है चलो 15 दिन के अंदर मिनट्स डिजाइन करना पड़ता है। द राइट ऑफ कास्टिंग वोट इज गिवन टू द डायरेक्टर चेयरमैन सेक्रेटरी। चेयरमैन नाउ डायरेक्टर मीटिंग का हेड नहीं है सेक्रेटरी चेयरमैन को मदद कर रही है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मीटिंग। चेयरमैन को कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है जब जो टाई होता है जो हाँ बोलने वाले 50 है एग्जाम्पल ना बोलने वाले 50 है टाई हुआ ना तो चेयरमैन एक और वोट डालेगा जिसको वोट दिया वो जीत जाएगा उसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। मिनट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड विद इन डैश डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था सो क्या आंसर आएगा 15 डेज ऑफ द मीटिंग। 21 डेज मीटिंग के पहले नोटिस भेजा जाता है ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं नंबर 9th। 9th क्या बोल रहा है डैश रेजोल्यूशंस आर नॉट पास इन द जनरल मीटिंग। डैश रेजोल्यूशंस आर नॉट पास इन द जनरल मीटिंग। सोचो फिश सी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है वो मीटिंग में पास होता है 51%। स्पेशल रेजोल्यूशन वो मीटिंग में पास होता है 75% और 3/4 मेजोरिटी। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन मीटिंग में पास नहीं होता वो डायरेक्टर को सर्कुलेट किया जाता है फॉर द डिसीजन विच डायरेक्टर्स ने इमरजेंसी में लिया है। सो द करेक्ट आंसर इज रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन डैश मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड 51% 66% 75%। ये साइड वाले लोग 75%। सी 51% ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को है 66% का आंकड़ा नहीं है
मीटिंग में कहीं पे भी 66% नहीं है भाई, 51% ऑर्डिनरी को है। फॉर ऑल्टरेशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डैश इज रिक्वायर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना बड़ी बात है भाई, तुम उसको चेंज कर रहे हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से नहीं होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा जिसको 75% या 3/4 मेजोरिटी लगेगा। ये साइड प्रोविजंस अबाउट रेजोल्यूशंस आर कंटेन्ड इन डैश ऑफ अ कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोस्पेक्टस। ये साइड नाउ क्यू आर्टिकल्स, क्योंकि रेजोल्यूशन मीटिंग के संदर्भ में और मीटिंग कंपनी का जो इंटरनल जो कायदे कानून का डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको बोलते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो 6 क्लॉज है, याद होगा, नेम, ऑब्जेक्ट, रजिस्ट्रेशन, प्राइबिलिटी, एसोसिएशन, कैपिटल लॉस, ये मेमोरेंडम के 6 बायरेट ऑफ द कंपनी है। जो मीटिंग, शेयर्स, ट्रांसफर, ठीक है ना, डायरेक्टर्स, ये सब कायदे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आते हैं। व्हेन अ पोल इज डिमांडेड इट मस्ट बी टेकन विद इन डैश आवर्स 48, 36, 12। ये साइड 48 आवर्स, कितने टाइम के अंदर होना चाहिए? 48 आवर्स के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट, तुम्हारे सामने ये चेयरमैन कोरम मोशन मिनट्स नोटिस ऑफ प्रॉक्सी है। पहला का आंसर ये साइड क्या लगता है? चेयरमैन कास्टिंग वोट एक है, और कुछ लग रहा है नजदीक? एक बार सब चेक कर लो, नहीं? सो द करेक्ट आंसर इज कास्टिंग वोट। अभी कोरम, वापिस से मैं पीछे लेके जा रहा हूं तुमको, कोरम ये साइड मैक्सिमम नहीं हो सकता भाई, क्या होएगा? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड मीटिंग कितना है? इसके लिए प्राइवेट कंपनी के लिए 2, पब्लिक कंपनी के लिए 1000 से कम वो मेंबर्स है, ये कोरम है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी इज 2, फॉर पब्लिक कंपनी 7, मैक्सिमम फॉर प्राइवेट इज 200, मैक्सिमम फॉर पब्लिक इज अनलिमिटेड। वो शुरुआत के टाइम में मीटिंग का कोरम अलग है, प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के लिए 1000 से कम रहे तो 5, 1000 और 5000 के बीच में 30, नहीं 15, और 5000 के ऊपर रहे तो 30 लोग लगते हैं। कोरम 3 भाग में, वैसे भी वो आने वाला है तो डिस्कस करेंगे। मोशन सबसे पहला ही था, प्रपोजल पुट बिफोर द मीटिंग। नाउ मोशन कौन लाता है? मेंबर लिखित फॉर्म में देता है, किसको? चेयरमैन को, उसको एक और सपोर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडेड। ये प्रपोजल पुट बिफोर द मीटिंग फॉर डिस्कशन एंड रेजोल्यूशन, ठीक है? चलो वापिस आते पीछे, मिनट्स, रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग, सो करेक्ट दिख रहा है। नाउ मिनट्स कब तैयार होता है? सारे के सारे मीटिंग खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर एक रिटर्न रिकॉर्ड है जो रखना पड़ता है, मीटिंग में क्या हुआ, कितने लोग आए, क्या डिस्कस हुआ, क्या फैसला लिया। सो इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग जो कायदे से कंपलसरी हर एक मीटिंग में रखना पड़ता है, कोर्ट ऑफ लॉ में वो एज अ प्रूफ प्रेजेंट किया जा सकता है। नोटिस क्या है? इंटीमेशन रिगार्डिंग एजेंडा, डे, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग। मैं तुमको इसको और क्लियर बताऊं, इट इज एन इंटीमेशन रिगार्डिंग डे, डेट, टाइम, और फिर एजेंडा आता है। स्टार्टिंग में एजेंडा नहीं आता, डे, डेट, टाइम और प्लेस। सो नोटिस का कायदा क्या, नोटिस का कायदा क्या है? कितने दिन पहले भेजे जाता है? 21 डेज पहले। किसको? शेयर होल्डर्स को। बोर्ड मीटिंग का कितने टाइम पहले भेजा जाता है? 7 डेज पहले। सो इंटीमेशन रिगार्डिंग डे, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग, एजेंडा बाद में आएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं वापिस से। प्रॉक्सी ऑफ मेंबर और डायरेक्टर, मेरा एक सवाल है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायरेक्टर क्यों नहीं है? डायरेक्टर प्रॉक्सी नहीं भेज सकते। तुमको प्रॉक्सी फॉर्म कितने दिन पहले सबमिट करना पड़ता है, या आर्स पहले? 48 आवर्स या 2 दिन पहले? 48 आवर्स, 2 दिन भी चलेगा, लेकिन 48 आवर्स बोलना, 48 आवर्स मीटिंग के टाइम के 48 आवर्स पहले कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। जो आदमी नहीं जा पा रहा है वो किसी और को भेजता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी। डायरेक्टर्स प्रॉक्सी नहीं भेज सकते इन द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग साल में 4 बार, 3 महीने में 1 बार,
और डिटेल चाहिए अगला चैप्टर, सर हम डिटेल डिस्कशन लेंगे, द पर्सन हू साइंस द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। कौन साइन करेगा? सर हम अंगूठा मारेंगे। वेरी गुड। मीटिंग का हेड कौन था? तो साइन कौन करेगा? चेयरमैन। बनाएगा कौन? सेक्रेटरी। भाई आज तो एकदम फॉर्म में। अब मेथड ऑफ वोटिंग वेयर मेंबर्स कैन वोट इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेपर वोटिंग एक शब्द नहीं यूज होता। पेपर वोटिंग को क्या बोलते हैं? बैलेट भी नहीं होता, क्योंकि बैलेट में एक आदमी एक ही वोट कर सकता है, वो कॉपरेटिव सोसाइटी में होता है। सॉरी बोल बोल, मैं करेक्शन करते जाऊंगा। पोल, द आंसर इज करेक्ट। व्हाट इज पोल? पोल वैसे तो बैलेट बॉक्स है, लेकिन वोटिंग बाय बैलेट और वोटिंग बाय पोल में फर्क है। वोटिंग बाय बैलेट कॉपरेटिव सोसाइटी में या इलेक्शन में एक आदमी को एक वोट मिलता है। पोल में तुम्हारे पास 1000 शेयर है तो तुम 1000 वोट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अशोका बिल्डकॉन के केस में मुझे वोट करना था, मेरे पास 1000 शेयर थे, तो जो हेड है ना कटारिया, मैंने 1000 वोट उनको दिया था। किसी के पास 10,000 है तो 10,000 वोट करेगा। समझ में आया? तुम्हारे पास एक शेयर है तो वन। इन शॉर्ट वोटिंग बाय पोल मीन्स वन शेयर वन वोट, वोटिंग बाय बैलेट इज वन पर्सन वन वोट। वन पर्सन वन वोट कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है, वहां पे तुम्हारे पास एक ही शेयर रहता है। अच्छा, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, हाथ ऊपर किया तो एक ही वोट मिलता है। तुम दुखी हो जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास 1000 शेयर है, लेकिन शो ऑफ हैंड में एक ही वोट मिलता है ना तुमको। तुम 1000 बार हाथ ऊपर कैसे करोगे? वोटिंग बाय पोल में नंबर ऑफ शेयर से उतने वोट मिलते हैं। तो अब रेजोल्यूशन पास बाय सिंपल मेजोरिटी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल मेजोरिटी। ये तो हमने आंसर दे दिया अगले वाले का। बोलो रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? 51%। कितना होता है? 51%। और 3/4 मेजोरिटी मतलब 75%, मतलब स्पेशल मेजोरिटी, मतलब क्या होगा स्पेशल रेजोल्यूशन? मेरे ना कंपनीज एक्ट 1956 के सारे सेक्शन लेते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं, ऊपर से शुरू करते हैं। चेयरमैन 175, वोटिंग बाय पोल 179, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 189 सबसेक्शन 1, स्पेशल रेजोल्यूशन 189 सबसेक्शन 2, मीटिंग्स 192। मीटिंग, मीटिंग में नोटिस 171, कोरम 174, प्रॉक्सी 176। प्रेम, सब्जेक्ट के प्रति प्रेम। चलो आगे। अ कंपनी ऑफिसर हु इज रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। हाँ, कंपनी ऑफिसर कौन रहेगा? सेक्रेटरी। कितने दिन के अंदर? भाई 2 दिन में कैसे चलेगा जिंदगी? 14 नहीं, 48 नहीं, 48 प्रॉक्सी फॉर्म मीटिंग शुरू करने के पहले भेजा जाता है। फेंको फेंको। हाँ तो क्या बोल रहे हैं? 21। ये नोटिस, कंपनी नोटिस भेजती है 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। चेक किया आंसर क्या दिया? तुक्का लगा के दिमाग लगाया? सर दिमाग ही लगा दिया। ये कहाँ था आंसर? अरे हम आगे हो गए पीछे गए? अब पर्सन हू कंडक्ट्स, तो ये क्या था? चलो ठीक है, मैंने पूछा था तुमको मिनट्स कितने दिन पहले, कितने दिन बाद? 15 दिन बाद। 15 दिन के अंदर, बात भी नहीं एक्चुअली। करेक्ट आंसर इज मिनट, मीटिंग खत्म होने के 15 डेज के अंदर था। भाई कंपनीज एक्ट 56 में ये 30 का आंकड़ा था, 30 डेज। ठीक है, अभी 15 कर दिया है। अब पर्सन कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। सर हमने आंसर देख लिया। बोलो क्या दिमाग लगाया? टुका ही नजरों से तो उसने देखा पर आंसर बोला। बराबर है। मिनट्स आर प्रिपेयर्ड बिफोर द मीटिंग, तो करेक्ट आंसर क्या है? उसके पहले ना, मिनट्स मीटिंग के पहले क्या होता है? नोटिस भेजा जाता है। कितने दिन पहले? 21 डेज। मीटिंग के बाद क्या होता है? सर खाना, खाना होता है। ये मिनट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर द मीटिंग, करेक्ट। कितने दिन पहले, कितने दिन बाद, कितने दिन पहले? मीटिंग खत्म होने के कितने दिन के अंदर? करेक्ट शब्द ये है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग इज कॉल्ड एज कोरम। भाई भाई एक शब्द से मिनिमम, ठीक है।
मिनिमम कोरम कितना है प्राइवेट का? दो। पब्लिक का? थाउजेंड नहीं है भाई, थाउजेंड मेंबर्स रहे तो 5 हजार, और 5 हजार रहे तो 15, 5 हजार मेंबर्स के ऊपर रहे तो 30। डायरेक्टर्स मीटिंग का कोरम जरा बताओ। सिक्स 30 सिक्सटी बेटा, डायरेक्टर मैक्सिमम 15 होते कंपनी में। फेंको दो फेंको, दो दो नजदीक है। तीन 5 कोरम है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, तीन 3 मिनिमम नंबर ऑफ, 3 मिनिमम तीन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, वन चार पर्सन कंपनी, 4 कहीं आंकड़ा नहीं है कंपनी सात सर्कल, 7 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और 8 पब्लिक। तो मेरा टेस्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारा टेस्ट कर रहा हूँ। एक मिनट, पर वन वन पर्सन कंपनी हुआ, वो तो वन थर्ड और टू विच एवर इज हायर, ये बोर्ड मीटिंग का कोरम है। मीटिंग्स आर हेल्ड ओनली टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी। क्यों भाई? प्रोग्रेस इन ही फैसला, डिस्कशन एंड डिसीजन। तो अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। प्रोग्रेस एक पार्ट है, बट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविजन, अडॉप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, अकाउंट्स, चेयरमैन हैज राइट टू कंडक्ट द मीटिंग। भाई True. वो कंडक्ट मीटिंग करेगा ना, कितने देर के अंदर चेयरमैन आना चाहिए? 15 मिनट फाइंड द ऑड वन। नेक्स्ट बिजनेस मोशन, प्रीवियस क्वेश्चन मोशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, ये मोशन मोशन और ये स्पेशल रेजोल्यूशन। हाँ ये तुमने अच्छा दिमाग लगाया। बोलो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, सब्सटेंटिव मोशन। कितना आसान तुमको दिया है। द ऑथोरिटी यू कैन कन्वे इन द जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर इज क्या? प्रॉक्सी। प्रॉक्सी जो मीटिंग में तुम नहीं जा पा रहे, किसी और को बेचते हो, उसको प्रॉक्सी बोलते हैं। कंपनी का 56 में 176 था। हाँ इधर चेक करना पड़ेगा। कौन बुला सकता है मीटिंग? चेयरमैन चेयरमैन कैसे बुलाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग को बुला सकते हैं। द एडवांस इंटीमेशन अबाउट द डेट टाइम ऑफ द मीटिंग सेंट टू द मेंबर्स इज कॉल्ड एज नोटिस नोटिस। कितने दिन पहले भेजते हैं? 21। 21 बोर्ड डे मीटिंग के कितने दिन पहले भेजते हैं? 7। कंपनीज एक्ट 56 में बोर्ड मीटिंग का टाइम फ्रेम नहीं था, अभी आ गया है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट अ मीटिंग कोरम इज कॉल्ड एज, पूरा बोलने दो, बोलो, कोरम। कितना है कोरम प्राइवेट कंपनी का? 2। पब्लिक दो कंपनी का? हजार हजार से कम रहे तो 5 हजार, और 5 हजार के बीच रहे तो 15 15, 5 हजार के ऊपर रहे तो 20 30, ये कोरम है भाई। कोरम कितने देर के अंदर होना चाहिए? नहीं, 15 मिनट्स के अंदर चेयरमैन आना चाहिए मीटिंग शुरुआत होने के। वेरी गुड, 30 मिनट्स के अंदर कोरम होना चाहिए। अ पर्सन हु अटेंड द जनरल मीटिंग एंड वोट्स ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर इज कॉल्ड एज प्रॉक्सी। प्रॉक्सी कोरम के लिए काउंट नहीं हो सकता, मीटिंग में बोल नहीं सकता, और सिर्फ एक जगह वोट कर सकता है, वो है पोल। अ प्रपोजल पुट बिफोर अ मीटिंग फॉर कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन इज कॉल्ड एज मोशन। और इसका मोशन का अंत किससे होता है? रेजोल्यूशन। वैसे मिनट्स भी गलत नहीं है, रेजोल्यूशन मीटिंग में और मीटिंग के बाद मिनट्स। अ फॉर्मल एंड फाइनल डिसीजन टेकन इन अ मीटिंग इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के कितने प्रकार? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग इज कॉल्ड एज मिनट्स मिनट्स। कितने दिन पहले आपके, कितने दिन के अंदर होना चाहिए मीटिंग के बाद? 15 दिन। पहले पंद्रह कितना था? 30। चलो वोटिंग बाय पोल, ये तो तुमको तो मजा आ जाए। ये क्या बोलते प्रॉक्सी 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 का क्या कनेक्शन है? बोलो, पोल प्रॉक्सी तो कॉल पे वोट कर पे ही वोट कर सकता है। नेक्स्ट, स्पेशल रेजोल्यूशन, मेजॉरिटी थ्री फोर्थ और 75 मेजोरिटी, ये स्पेशल रेजोल्यूशन में लगता है। सब्सटेंटिव मोशन, अमेंडेड मोशन को सब्सटेंटिव मोशन का एक और नाम क्या है? सब्सटेंटिव मोशन का एक और नाम क्या है? अमेंडमेंट। वेरी गुड, चेयरमैन जो बचा है वही बोल दो।
भाई एब्सेंट थे और आंसर दे रहे, इसका मतलब कहीं से जुगाड़ कर लिया। हाँ कोई बात नहीं, फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर को आया था। हाँ कभी सब लिया था तभी। व्हाट इज मिनट्स? मिनट्स जो मिनट्स मिनट्स आर द रिटर्न रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय द सेक्रेटरी आफ्टर 15 डेज फ्रॉम द शेड्यूल्ड डे ऑफ द मीटिंग, या मीटिंग के टाइम के 15 डेज के अंदर होना चाहिए। कंपनी मस्ट मेंटेन द मिनट्स ऑफ ऑल दी मीटिंग्स। इट इज अ लीगल प्रूफ विच इज शोन विच कैन बी इट इज अ लीगल प्रूफ विच कैन बी शोन टू द कोर्ट ऑफ लॉ एज अ प्रूफ। इट इज ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस। इट मस्ट बी साइंड बाय द चेयरमैन। व्हाट इज नोटिस? सर यहाँ पे लिखा है सिंपल अरे लिखने का क्या, बिना देखे बोलना। अरे इसकी क्या जरूरत? था अरे कोई नहीं, अपन खुद से बोलेंगे। बोल। नोटिस इज अ रिटर्न स्टेटमेंट विच कंसर्न्स द डे डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग। इट ऑल्सो कंटेन्स द एजेंडा। मेरे को काटो मार। इट मस्ट बी सेंड बिफोर 21 डेज ऑफ द शेड्यूल डेट ऑफ द मीटिंग एंड बिफोर द बोर्ड मीटिंग। कितने दिन पहले? 7 डेज। और इन रेजोल्यूशन बोलो। लिखा है ना, वो भी लिखा है बेटा, बिना देखे क्यों बताएगा। मुझे हाँ, सबने हमको फंसा दिया सर, ये तो जिंदगी झंडवा हो गया हमारा। बोलो बेटा। हाँ। अरे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज अ सिंपल रेजोल्यूशन विच रिक्वायर्स 51% वेर इन द डिसीजन इज टेकन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नीड नॉट बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। स्पेशल रेजोल्यूशन को रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ता है विद इन द 30 डेज वाया द वेबसाइट MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट में तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन सारे सबमिट करने होते हैं। व्हाट इज एजेंडा? चेक हाँ मेन यस वेरी गुड। और ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ बेटा पेपर इंग्लिश में लिखेंगे अपन। बोल। एगेंडा इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगेंडम, या कुछ अमेरिकन लोग के लिए एजेंडा, यूरोप के लिए एगेंडा। ठीक है, जो भी तुमको प्रोनाउंस करना है। सिंपल पॉइंट तेरा आंसर। सिंपल पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। ऑब्जेक्टिव्स। एजेंडा के बाहर तुम फैसला नहीं ले सकते भाई। एजेंडा में कुछ कम रह गया बाद में भूल जाओ, जनरल मीटिंग में उसका फैसला नहीं लिया जा सकता। हु इज चेयरमैन? ऑफ चेयरमैन इज द हेड ऑफ मीटिंग। कंपनीज एक्ट 56 में 175 था। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग। ही मस्ट बी प्रेजेंट विद इन द 15 मिनट्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड टाइम ऑफ द मीटिंग। व्हाट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर? पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज एन ऑब्जेक्शन रेज बाय एनी मेंबर रिगार्डिंग एनी इनरेगुलरिटीज ऑफ द मीटिंग। फॉर एग्जाम्पल कोरम। इफ द मेंबर थिंक्स कोरम इज नॉट देयर ही कैन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। और चेयरमैन पर है, उसको एक्सेप्ट किया जाए रिजेक्ट किया जाए। बेटा तुम लोग का ये फेवरेट है, तुम क्या करते हो इसको ऑपोजिट करते हो। बोलो। मिनट्स आर प्रिपेयर्ड बिफोर आफ्टर। हाँ बेटा रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन को ऑपोजिट के लिए नॉलेज लगे। मोशन, वो पिक्चर थी ना मोशन में इमोशन है। कौन सी पिक्चर थी? पीकू याद है भाई? इंग्लिश पिक्चर देखना बंद करो, अच्छे अच्छे हिंदी पिक्चर भी है। पोलिंग, ये स्टार्ट मोशन से अंत में रेजोल्यूशन। रो पोलिंग पेपर्स में, रोलिंग पेपर्स। पोलिंग पेपर्स आर यूज्ड फॉर वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। बैलेट पोलिंग पेपर्स कहाँ पे होगा? वोटिंग बाय पोल में होगा। A4 साइज का एक कागज रहता है, तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स और तुम साइन करोगे और वो सबमिट करोगे। ठीक है। अ मोशन इज अ फाइनल डिसीजन टेकन इन अ मीटिंग। बिफोर रेजोल्यूशन। एजेंडा इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द मीटिंग। ये अच्छा है तुम्हारे लिए। आफ्टर मीटिंग क्या तैयार किया जाता है? बोलो। इस मिनट्स। कितने दिन के अंदर? ए होशियार हो गए सब। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। सेंडिंग पहले नोटिस क्या? अरे कंफर्म बेटा पहले कोरम, कोरम। अच्छा सुनो, पहले मैं क्या करूंगा, नोटिस भेजूंगा 21 डेज पहले। तुमको नोटिस मिल गया, अब मीटिंग का टाइम शुरू होता है। तो मीटिंग में कोरम कंफर्म करो। कोरम प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के लिए 5, 15 और 30, जो आंकड़ा मैंने ऑलरेडी बताया। कंफर्मिंग कोरम। कोरम कितने देर के अंदर होना चाहिए? आधे घंटे के अंदर, वरना क्या होगा,
मीटिंग एडजर्न होएगा नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे, और लास्ट में मीटिंग खत्म होने के बाद मिनट्स कितने देर के अंदर होना चाहिए? 15 दिन के अंदर अब तुमको आना चाहिए। नेक्स्ट मोशन रेजोल्यूशन वोटिंग, पहले पहले मोशन होगा फिर वोटिंग होगा फिर वोटिंग के प्रकार वॉइस रिक्लेमेशन डिवीजन शो ऑफ हैंड्स बैलेट पोल उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल और फिर क्या रेजोल्यूशन के प्रकार ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। प्रेम होना चाहिए तुमको सब्जेक्ट के प्रति। मोशन के भी प्रकार है सब्सटेंटिव मोशन उसको बोलते हैं अमेंडमेंट, फिर उसमें और क्या क्या आएगा क्लोजर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट और एक प्रीवियस क्वेश्चन भी था याद होगा तो चलो तुम्हारा फेवरेट केस लॉ। एक्स वाई जेड कंपनी सेंड नोटिस ऑफ इट्स एनुअल जनरल मीटिंग टू इट्स मेंबर्स, इन द मीटिंग अ रेजोल्यूशन इज टू बी पास ऑन ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, शुड एजेंडा ऑल्सो बी सेंड विद नोटिस। ये तो बड़ा कॉमेडी है। पहले क्या है नोटिस मस्ट बी सेंड 21 डेज बिफोर, एजेंडा मस्ट कंपल्सरिली बी सेंट रिगार्डिंग द ऑल्टरेशन टू बी डन टू द आर्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल तुमको कोरम का आंकड़ा 5 का 7 करना है तो तुम कर सकते हो 4 नहीं, क्योंकि कायदा बोलता है कम से कम 5 बराबर है, तुम 5 से कम नहीं कर सकते 5 से ज्यादा कर सकते हो। उसके अलावा तुमको जो रेजोल्यूशन पास करना होगा वो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा दैट इज 3/4 मेजोरिटी, और उसके बाद 30 दिन के अंदर पास किया हुआ रेजोल्यूशन तुमको रजिस्ट्रार के पास ऑनलाइन एमसीए पोर्टल के थ्रू भेजना होगा। करेक्ट, सो मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया इसमें। व्हाट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज नीडेड टू ऑल्टर द आर्टिकल, ये भगवान तो मैंने पहले काहे को दिया। स्पेशल रेजोल्यूशन तुमको पास करना होगा मीनिंग 100 वोट्स है तो 75% वोटिंग लगेगा, और रेजोल्यूशन पास करने के बाद 30 डेज के अंदर तुमको रजिस्ट्रार के पास ये स्पेशल रेजोल्यूशन का कॉपी सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन एमसीए पोर्टल के थ्रू। शुड द रेजोल्यूशन फॉर आर्टिकल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये तो हमको पता ही नहीं था। यस, कितने दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर 30 डेज के अंदर फाइल करना पड़ेगा तुमको किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कैसे, वाया द एमसीए पोर्टल। मीटिंग ऑफ अ जनरल मीटिंग ऑफ कंपनीज टू बी हेल्ड सेट द प्रोविजन ऑफ कोरम फॉर मीटिंग ऑफ कंपनी व्हिच हैज लेस देन 1000 मेंबर्स, मिनिमम कितना है 5, प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के लिए 5000 से कम, 1000 और 5000 के बीच में 15, 5000 से ज्यादा 30, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोरम 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, ठीक है ये इसका है, ये तो मैंने बोल दिया। मीटिंग ऑफ मेंबर्स विच हैज मोर देन 5000 कितना होगा 30 होगा, करेक्ट 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट नो प्रॉक्सी काउंटेड बिफोर एंड टिल द एंड ऑफ द मीटिंग, कोरम मीटिंग के अंत तक होना चाहिए, बीच में कोरम कम हो जाता है तो मीटिंग इनवैलिड होगा, पोस्टपोन करना, पोस्टपोन नहीं एडजर्न वर्ड यूज करते हैं, वैसे पोस्टपोन ही है ADJOURNE, नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे, मीटिंग के एंड तक कोरम होना चाहिए। मीटिंग ऑफ बोलो तो तुम अभी तो बता दिया 2500 मेंबर, 1 और 5000 के बीच में कितने चाहिए 15, कितने चाहिए 15। मिस्टर पी इज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग, प्लीज एडवाइस ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, व्हाट शुड बी डन इफ द कास्ट इफ द वोट्स कास्ट इन फेवर एंड अगेंस्ट द मोशन आर इक्वल, ना ही मस्ट यूज ब्रह्मास्त्र, क्या है उसके पास कास्टिंग वोट, मतलब जब जो इन फेवर और अगेंस्ट में एक वोट भाई ने ऑलरेडी यूज कर लिया था चेयरमैन ने, अब उसको एक और बार वोट करने को मिलेगा कास्टिंग वोट, मतलब देखा जाए तो चेयरमैन के पास 2 वोट है, एक नॉर्मल और एक इक्वल, जब फॉर और अगेंस्ट हुआ तब कास्टिंग वोट। हाउ मेनी वोट्स कैन बी अ मेंबर कास्ट अंडर पोल मेथड, वन शेयर वन वोट, वन पर्सन वन वोट मत बोलना, वन पर्सन वन वोट
कोऑपरेटिव सोसाइटी और इलेक्शंस में लागू होता है। तुमको इलेक्शन में एक वोट मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक वोट मिलता है, कंपनी में एक शेयर एक वोट। तुम्हारे पास 10,000 शेयर है तो तुम 10,000 अलग अलग कागज में नहीं, वहां पे तुम लिखोगे 10,000 शेयर तो 10,000 वोट तुम्हारा कास्ट होएगा। व्हाट शुड मिस्टर डू इफ एनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज बाय अ मेंबर? द चेयरमैन मस्ट चेक आउट व्हाट द पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज अगेंस्ट। इफ इट इज रिलेटेड टू कोरम ही मस्ट काउंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड इफ द मेंबर्स आर द कोरम विच इज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कंपनीज एक्ट दैट इज 2 फॉर प्राइवेट 5 15 और 30 फॉर पब्लिक। इफ द पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज वैलिड देन ही मस्ट बोलते ना फॉलो द पॉइंट ऑफ ऑर्डर एडजर्न द मीटिंग। इफ द पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज इनवैलिड देन द मीटिंग विल कंटिन्यू। इफ पॉइंट ऑफ ऑर्डर ही शुड चेक वेदर द पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज वैलिड। इनवैलिड है तो मीटिंग कंटिन्यू होगा, यदि वैलिड है कोरम नहीं है तो या तो एडजर्न करो या तो कोरम पूरा होने दो। लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर कोई रेज करता नहीं है, क्यों? क्योंकि जो मेंबर प्रेजेंट है उसको कोरम का नॉलेज ही रहता नहीं है। तुमको है बट एक साइंस का बंदा मीटिंग अटेंड कर रहा है, उसको थोड़ी पता है कोरम 5, 15 और 30 का कायदा है। वो तो तुमको नॉलेज होना चाहिए मीटिंग के कायदे का कि चेयरमैन 15 मिनट के अंदर आए, कोरम आधे घंटे के अंदर आए, कोरम मीटिंग के एंड तक होना चाहिए, शुरुआत में पिछले मीटिंग का मिनट रीड होना चाहिए, मीटिंग का पोल पहले डिमांड नहीं होता है शो ऑफ हैंड डिमांड होता है, पहले शो ऑफ हैंड से करना चाहिए। पोल कंडक्ट किया तो उन्होंने बोलना चाहिए शो ऑफ हैंड क्यों नहीं, क्योंकि प्रॉक्सी प्रेजेंट है। आया समझ में? और प्रॉक्सी सिर्फ इसमें पोल में कंडक्ट कर सकता है, शो ऑफ हैंड में हुआ तो एक चेयर एक मेंबर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करेगा कि शो ऑफ हैंड में क्या प्रॉक्सी ने वोट किया कि नहीं। ये सब नॉलेज तुम्हारे पास मीटिंग के दरमियान होना चाहिए, ठीक है? नॉर्मली पॉइंट ऑफ ऑर्डर कोई रेज नहीं करता, सब खाने के लिए मस्त आते, वोट करते, खाते और चले जाते, ठीक है? सो यहाँ पे तुम्हारा फुल चैप्टर एक्सरसाइज ऑफ मीटिंग खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।